नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये जो आपके सामने प्लांट पड़े हुए हैं, आप सभी ने इसको जरूर इसको बचपन में इससे खेला होगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, खास करके इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है जब इसके पत्ते को आप छूते हो और ये पत्ते मोड़ लेता है। इस तरह से आप इसके पत्ते को टच करते हैं तो ये क्या करता है, अपना सारा का सारा पत्ता मोड़ लेता है। देख लो ये किस तरह से पूरा हो गया है। इधर भी मेरे टच हो गए थे तो ये भी अभी हो गया है, इस तरह से बंद कर लेता है। और फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद, ये फिर से खुल जाता है। हम लोग बचपन में इससे बहुत खेलते थे, लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि ये इतना फ़ायदेमंद प्लांट है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है, इसके बहुत सारे खूबियाँ हैं। साथ ही ये फ्लावर भी इस तरह से देता है, बहुत अच्छा फ्लावर इसके आते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें फ्लावर आए हैं, गर्मी के दिन में इसमें काफ़ी फ्लावर्स आते हैं। और ग्रो करने की बात करो तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। बरसात के समय में आप इसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये सीड पॉड है इसके, इसमें सीड भरे हुए हैं और इसी सीड से ये जहाँ पर गिरता है वहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लांट इसके निकल आते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आयुर्वेदिक में, इसका क्या क्या इलाज है, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों, जब भी मैं कोई प्लांट के बारे में उसकी मेडिसिनल गुण बताती हूँ तो मैं हर बार आपसे शेयर कर देती हूँ कि इसके यूज करने से पहले आप और भी जानकारी ले लें, इसके बाद ही इसका यूज किया करें। इसके सीड हों, इसके पत्ते हों, इसके रूट हों, सभी मेडिसिनल यूज में आते हैं। दोस्तों, बवासीर में इसकी जड़ को पीसकर दही में मिलाकर उपयोग किया जाता है। ज्वाइंट पेन अगर किसी को होता है तो इसके पत्ते को उबालकर उसके पानी को पीते हैं। दस्त अगर किसी को हो रहा है, यानी लूज मोशन हो रहा है, तो इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। दोस्तों, ये जंगली पौधा है, कांटे वाला पौधा है, इसमें कांटा होता है, लेकिन ऐसा कांटा बहुत तीखा कांटा नहीं होता है, फिर भी आप थोड़ी सतर्क रहें। जब ठंड आती है तो उस समय आपको थोड़ी सी ठंड से इसको बचानी होती है। मैंने इसे पहले भी लगाकर, शायद मुझे याद आ रहा है, आपसे शेयर की हुई है, लेकिन मेरा प्लांट अब वो बचा नहीं रहा क्योंकि ठंड में वो समाप्त हो गया। ठंड आने पर अक्सर ये समाप्त हो जाता है। थोड़ी सी उस समय अगर केयर की जाए इसको तो ये आपको सालों साल बना रहेगा और आप इसको छू करके आनंद लेते रहोगे, ये आपके छूने से शर्माते रहेगा। साथ ही इसके जो फायदे हैं उससे भी आप उठा सकते हैं। ज्वाइंट पेन में इसके पत्ते को पीस कर जहाँ ज्वाइंट पेन हो रहा है वहाँ लगा दें। दोस्तों, अगर बाल आपके गिर रहे हैं या बाल नए नहीं निकल रहे हैं तो भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते को उबाल कर उसके पानी से बाल को साफ किया जाता है, धोया जाता है। जिसको शुगर हो, डायबिटीज हो, वो इसके पत्ते का जूस बनाकर पीते हैं। ब्लड प्रेशर में भी इसके जूस को पिया जाता है। किसी को अगर कोई कीड़ा काट लिया, इंसेक्ट बाइट कर लिया, तो इसके पत्ते को पीसकर वहाँ पर लगा दिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका सेवन नहीं करना है। अगर कोई घाव ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा है तो इसकी जड़ें जो है, जड़ों को पीसकर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं ये सब ज़्यादा जानकारी आप पहले और जानकारी लेकर के ही इस्तेमाल किया करें। हड्डी टूटने पर भी ये काम आता है दोस्तों, और तो और नपुंसकता जो है उसको भी ये दूर करता है। तो इतने ढेर सारे गुणों वाला ये आयुर्वेदिक प्लांट, इसको आज मैं आपसे यहाँ लगाकर शेयर कर देती हूँ, जिसमें इसके रूट आप देख रहे हैं, इस तरह के इसके रूट होते हैं। तो इसके रूट बहुत जल्दी बाउंड हो जाते हैं, इसलिए इसको जितनी खुली जगह में लगाओ बेहतर होता कि मैं इसको सॉयल में लगाती,
लेकिन आपसे मुझे शेयर करनी है तो मैंने सोचा चलो मैं इसी में लगा देती हूँ। मेरे पास दो प्लांट है, दोनों को मैं एक ही साथ एक ही गमले में लगा दूँगी। तो दोस्तों इसमें सॉयल की कोई बात नहीं है, सॉयल आप किसी भी तरह की रख सकते हो, लेकिन ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसके रूट बाउंड होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए आप इसमें बालू मिला करके, सैंड मिला करके 50% इसमें आप सैंड रखें। मैं अक्सर 40% बोलती हूँ, लेकिन जहाँ इसका सवाल है तो आप इसमें 50% सैंड रखें और 50% आप इसमें, यानी 40% आप इसमें खेत की सॉयल रखें और 10% इसमें काउडंग मिला दें। इसको ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इसकी पानी तो इसे चाहिए, पानी दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से रूट बाउंड होने का खतरा बना रहता है, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना दें। थोड़ी सी मैं और डाल देती हूँ मिट्टी इधर। दोस्तों तो इस प्लांट को ले लगा कर आप खुद इंजॉय कर सकते हैं। मुझे ये प्लांट इसीलिए पसंद आता है कि ये शर्मिली लाजवंती छू दो तो शर्मा जाने वाला प्लांट है, तो ये बहुत अच्छा लगता है देखकर। बचपन से ही मुझे ये प्लांट बहुत पसंद आता था। मैंने एक बार और भी ट्राई किया था, एक साल लगाई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जाड़े में वो समाप्त हो गया था। और आज मैं फिर इसके मेडिसिनल वैल्यू बताते हुए आपसे इस वीडियो को शेयर की है। दोस्तों आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट में जाकर आपको जो पूछनी हो आप पूछ लिया करें। मैं इसी के साथ आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।